सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते सारे दर्शकों का। मैं फिराज हाँ, मनप्रीत गिल तुहाडे नाल। अज फिर चर्चा करांगे मुद्दे नूं लैके कि सिद्धू मूसेवाला का जो कतल होया, कतल दे विच हर एक अख नाम है पंजाब दी। माता पिता ते जो बीत रही है वह सिर्फ माता पिता ही जानते हैं, पर माता पिता दे नाल दुख वडाउण दे लई, उन्हां दा दुख सांझा करन दे लई जो कलाकार सियासी आगू लगातार पहुँच रहे हैं। इसे कड़ी दे विच अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पहुंचे सी सिद्धू मूसेवाला दे पिंड मूसा विखे। सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे नाल मुलाकात की जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दुख सांझा करते हैं, सिद्धू मूसेवाला नूं श्रद्धांजलि देंदे ने, पर सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता ते हौसला हुण कोई कम दा नहीं, क्योंकि उन्हां दा पुत शतीर वर्गा जवान पुत इस जहान तो जा चुक्या। तो सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं एक चिट्ठी के जरिए फिर कह दिता है कि सानूं इंसाफ चाहिए, जल्द तो जल्द दोषी फड़े जाण। तो उस तो अलावा एक सीसीटीवी फुटेज भी अज सामने आई है। इस फुटेज के फतियाबाद के जिले के एक पिंड दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल पंप से जो हमलावर की छक्की गड्डी सी बलैरो, उस बलैरो दे विच डीजल पवा रहे हैं, तो उन्हां दी तस्वीर है जो भी सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। हो सकता है ये सीसीटीवी फुटेज जांच दे विच मदद करे सरकार नूं, पर अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो पहुंचे सी सिद्धू मूसेवाला दी रहायश विखे, उस हवेली विखे जिसनों उसने बड़े चाह के नाल तैयार किया, सुपना सजाया कि इस हवेली दे विच रौनक लगनगे जो उसका विआह होगा, पर हुण वो सुपने धरे दे धरे रह गए। सिद्धू मूसेवाले दे माता पिता नूं जदों मिलदे ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, तो भगवंत सिंह मान नूं सिद्धू मूसेवाले दे पिता जिथे इंसाफ की गुहार लगाउंदे ने, तां नाल लगदी एक स्टेडियम ते एक मानसा दे विच, जिला मानसा दे विच एक वधिया हस्पताल बनाउण दी मांग करदे ने कि हुण साडा पुत दा जहानो जा चुक्या। तो मानसा जिला दे विच सिहत सहूलतां दी घाट है, तो उसनूं मुख रखदिआं सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने स्टेडियम, खेड स्टेडियम ते एक हस्पताल नूं लै के मांग कीती है। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा भी जताया कि मंगां पूरियां कीतियां जाणगियां, पर सवाल हुण वड्डे खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिल के आए ने सिद्धू मूसेवाले दे माता पिता नूं, कि असर होवेगा इस मुलाकात का, जांच दे विच तेजी आवेगी। चिट्ठी भी दी जाती है सिद्धू मूसेवाले दे पिता दे वल्लों कि उस चिट्ठी का प्रभाव पवेगा, जांच तेज होवेगी, क्योंकि हाल ही दे विच जेकर आपां देखिए हाल तक पुलिस दे हाथ खाली ने। एसआईटी भी बनाई गई है, उस एसआईटी दे हाथ भी हजे हमलावर नहीं लगे। दसया जा रहा 6 तों 8 नौजवान से जिन्हां ने रूसी हथियार वरते सी, विदेशी हथियार वरते सी, जिन्हां ते सिद्धू मूसेवाले ते हमला होया सी। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਮੋਸ਼ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੈੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਝਟਪਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਝਟਪਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਟਪਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਝਟਪਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੋ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਜੂਨ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਤਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਕਿ ਜਗਜਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦਲਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
कैप्टन साहब ने तो तुहानू पता है ना, उन्होंने पहले इन्हों गैंगस्टर क्या करते सिद्धू मूसेवाला और सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने भी तुम बयान जोड़े ने उदो पहलियाँ स्टेटमेंटा क्ड के वेख लवो जो उन्होंने भी उन्होंने कहा भी गैंगस्टर इन दे बहुत लिंक ने तरन चुग जे केंद्र रहे कि जेडे भिंडर वाले दे फॉलोअर्स है सिद्धू मूसेवाला इन्होंने सिर्फ तो सिर्फ सियासत करनी है। इतने भी आके इन्होंने यही कुछ किया पिछले दिनों के इन्होंने जड़ा भावें राजा बड़िंग जी सन उन्होंने आके ये कहा कि असी तो सिद्धू मूसेवाला संगरूर तो टिकट दे देनी सी। इस तरह सिमरजीत सिंह मान ने आके आख्या कि संगरूर तो उन्होंने तो मेरा पुत्र से उन्होंने तो मेरी मदद ऐलान कर दिता सी। सो इस तरह दियां गल्लां होईयां उहदे तो साफ ये आपां देख रहे हैं कि ये कोई लोग ना तो सिद्धू मूसेवाला दे हमदर्द सन ना ये गैंगस्टर खत्म करना चाहते ने गैंगवार खत्म करना चाहते ने ये सिर्फ तो सिर्फ ये सियासत करना चाहते ने। इन्होंने सियासत करनी है इन्हों सियासत मुबारक पर असी तुहानू ये पूरी तरह यकीन दवाना चाहते हैं कि पहला भी जिन्हें कोई वारदात हुई वो असी नतीजे पर पहुंचे हूँ भी असी नतीजा जिहड़ा तुहाडे सामने जल्द लैके आवांगे। अमित अरोड़ा जी अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिलके आए ने जाके सिद्धू मूसेवाला के माता पिता नूं तां किते देरी तां नहीं हुई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं जाण दे विच क्योंकि 29 मई नूं कतल होया सी सिद्धू मूसेवाला दा अज 3 जून आ कई दिन बीत चुके ने। तो दूजे पासे इन्हां सारे सवालों नूं देख के जेकर आपां गल करिए तां परिवार नूं दलासे दित्ते जा रहे ने परिवार ते दलासियां दा कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने अपना पुत गवाया तां की लगता है जांच दे विच हुण तेजी आवेगी जेकर आवेगी तो किस तरीके आवेगी जां सरकार नूं किहड़े हथकंडे अपनाने चाहिए ने इन्हां गैंगस्टरां नूं खत्म करन दे लई सिद्धू मूसेवाला दे दोषियों नूं फड़न दे लई क्योंकि परिवारक मैंबर इस समय इंसाफ की उड़ीक कर रहे ने। बड़े शर्म दी गल है कि चार दिन बाद मुख्यमंत्री पंजाब नूं याद आई मूसेवाला परिवार की। और तुसी देखो केजरीवाल साहब दा अज बयान आया चार दिन दे बाद। तो गल ये है कि लोग अपने आप नूं राष्ट्रीय लीडर समझदे है। उन्हें आम आदमी पार्टी दे जिहड़े बुलारे है वो कह रहा सी जी सुखबीर बादल ने गैंगस्टर किया कांग्रेस पार्टी और बाकी ओपोजिशन पार्टियां ने इहनूं गैंगस्टर किया सिद्धू मूसेवाला नूं। ओ भाई तुसी अपने लीडरां दे स्टेटमेंटा कढ़ाओ डोमेन दे विचों। तुहाडे लीडरां ने सब तो वध सिद्धू मूसेवाला दी निखेधी कीती गैंगस्टर कह के। सो गल इह आ कि लोक सभा चुनाव सिर ते सन सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस का उम्मीदवार बन के सामने ना आए सब तो मुढ़ला प्राइमा फेसी शक जिहड़ा वा वो आम आदमी पार्टी की सरकार से जाता है। हुण आम आदमी पार्टी के बुलारे कह रहे थे कि वो जी लारेंस बिश्नोई का बयान आ गया फलाने का बयान आ गया तुहाड़ी जांच की कह रही है तुहाड़ी जांच तो जी अजे तक कित भी मुकम्मल होंगी नजर नहीं आई। तुहाड़ी इंटैलीजेंस वेलर तुहाड़ी पुलिस वेलर तुहाड़ी जांच वेलर तुहाड़ी होम मिनिस्ट्री वेलर। सो गल ये है कि नौ सिखी है तुसी तुहाडे हाथ वस दा ये काम नहीं सी तुहाडे हाथ बटेर आ गई पंजाब दे लोगां ने बटेर देती। सो तुहाडे हाथ वस काम नहीं क्योंकि विल पावर नहीं है ना किसी मंत्री कोल एक्सपीरियंस है ना मुख्यमंत्री कोल एक्सपीरियंस है। हर काम जिहड़ा वा उह दिल्ली दे मुख्यमंत्री कोल पुछ के करदे आ दिल्ली दे मुख्यमंत्री दे कोल पुलिस विभाग नहीं है। तुसी देख लो अरविंद केजरीवाल जिहड़े आप अपने आप नूं इंटरनेशनल लीडर समझते हैं यूनीवर्स का लीडर समझते हैं कश्मीर दे विच जे इन्हां नूं कश्मीरियां दा इन्ना दर्द है तो क्यों नहीं गया राहुल भट्ट दे कतल होया क्यों नहीं दुख मंडाण गया उन्हां दे परिवार दे नाल जम्मू कश्मीर दे विच रजनी बाला का कतल होया क्यों नहीं गया उत्थे लखीमपुर खीरी तो संजय सिंह दूसरे दिन भजे दौड़े जाते। सो इन्हों की कथनी और करनी दे विच बहुत फर्क है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है।
अमित जी तुसी कह रहे हो कि डर सी आम आदमी पार्टी नूं कि सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी तो किते राज्यसभा उम्मीदवार ना हो जावे, माफ करना लोकसभा उम्मीदवार ना हो जावे जो जिमनी चोणां होण वालियां ने संगरूर तो उत्थे ही सिद्धू मूसेवाला की जेकर आपां मौत तो पहलां दी गल करिए तो उन्होंने सिमरजीत सिंह मान दे नाल गल कीती सी, मिलण दी गल कीती सी। सिमरजीत सिंह मान जो श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ने, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों ही जो लड़न जा रहे ने संगरूर तो जिमनी चोणां लोकसभा दीआं, तो इस आप कि मनीए कि आम आदमी पार्टी को डर से कि कांग्रेस का उम्मीदवार ना हो। तो दूजी गल मैं ही ऐड कर दिना, अं चाहा दोवें गलों के जवाब मिलन कि जैड सिक्योरिटी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी जाती है, बड़ी चंगी गल है क्योंकि वह भी कौम के जथेदार ने, उन्होंने भी सुरक्षा की जरूरत है। तो दूजे पास जेकर इंटरनेशनल सिंगर से सिद्धू मूसेवाला आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है मनिया, उन्होंने सुरक्षा वापस ली है, वो सुरक्षा नहीं दे सके सिद्धू मूसेवाले, तो जिस तरीके जैड सिक्योरिटी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी है सिद्धू मूसेवाले भी दे सकती सी केंद्र सरकार, जैड ना दी तो कुछ सुरक्षा तो उपलब्ध करवा दी केंद्र सरकार, ता जो ये हादसा ना बचता जिन्हें हमलावर से सुरक्षित रहता सिद्धू मूसेवाला। मनप्रीत जी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब दे लोकां दे नाल विश्वासघात किया, पंजाब दे लोगां नूं पंजाब पुलिस दे उपर कोई विश्वास नहीं रहा और मोर ओवर सरकार दे उपर भी विश्वास नहीं रहा। जिहड़ी इन्हां ने जनतक की जिहड़ी 424 VIP की सुरक्षा वापस ली, सिद्धू मूसेवाल का कतल उहदा नतीजा वा, और ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं तुसीं सिद्धू मूसेवाला नाल ना मिलाओ। ज्ञानी हरप्रीत सिंह मोस्ट VVIP परसन है, क्योंकि 400 रलाउण दा मतलब नहीं है, अरोड़ा साहब कहण दा मतलब है कि 424 व्यक्तियों की जो सूची सी उस दे विच जथेदार साहब जी का नाम भी सी, सिद्धू मूसेवाले का नाम भी सी, क्योंकि जेकर आपां देखिए तां सिद्धू मूसेवाला भी पंजाब का नागरिक है, सुरक्षा तो सब नूं चाहीदी है, सारा हर एक व्यक्ति चाहुंदा कि मैं सुरक्षित रहां। देखो ऐसा है कि इन्होंने जिस दिन सूची इन्होंने अखबार दे विच पब्लिश की थी उसे दिन तक कतल हो गया, और जांदा जिस वेले पंजाब सरकार ने वापस लई जांदा सिद्धू मूसेवाला दा परिवार केंद्रीय होम मिनिस्टर को केंद्र सरकार को कहंदे, उन्होंने कहंदे कि भाई साडी सुरक्षा नूं खतरा वै, सानू केंद्र जिहड़ा वै सुरक्षा उपलब्ध कराए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ। विनोद भारती जी तो जिथे माँ प्यो ने अपना कला कला पुत गवाया तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक अपना होनहार ते नौजवान आगू गवाया, नुकसान सिद्धू मूसेवाला के माता पिता नूं सब तो ज़्यादा होया, उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं तो थोड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी नूं भी होया जिन्होंने अपना आगू गवाया, तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिल के आउंदे ने, दलासा ही दे के आउंदे ने परिवार नूं कि मसले का हल करांगे, दोषियों नूं फड़ांगे, कार्रवाई होवेगी, जल्द दोषियों का पता लग जाएगा। की मानदी है कांग्रेस पार्टी की जो कार्रवाई है सही तरीके हो रही है, जा कार्रवाई दे विच ढिल है, हजे भी कार्रवाई दे विच तेजी लियाउण दी जरूरत है। विनोद जी तुहानू कहना चाहांगा तुहाडा जो गैजेट है तुहाडा म्यूट होया होया तां म्यूट तो अनम्यूट किया जाए। जी हेलो हेलो, बिल्कुल 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 विनोद जी आ रही है आवाज? बिल्कुल जी आ रही है। मैं एक गल कह रहा सी, मैं अरोड़ा जी नूं सुनिया बड़े ध्यान नाल, उन्होंने भी जो सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है उहदे बारे दस्या, ते गल इह है भी यह बड़ी दुखदाई घटना घटी है, ना तो उस बेचारे की जाण वाली उम्र सी ते ना ही पंजाब वासियां दा एडा जिगरा कि वह एड्डी वड्डी सट नूं सह सकण, उन्हां दे मां बाप का जो हाल उस टाइम असी देखिया और उस शीशे दे केस विच जो जदों बॉडी आई है उहदे मां बाप ने उस ते सिर रख के जो गूबां मारियां ने, पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड विच जिन्हें भी देखिया उहदियां अखां नम होईआं, और ये एडा वड्डा जो नुकसान है परिवार का कांग्रेस पार्टी का, यह शायद ही कितें पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि
परिवार परिवार को जी इन्ना कीमती सी ना उहदा कोई भैण ना भरा ओही अपने मां बाप दी अखां दा तारा सी जो उहनां कोलों जुदा हो गया और जुदा भी पता नहीं की दुश्मनी सी उहनां दी शायद मैनूं लगदा कि जिन्हां ने यह काम किया वह भी अज पछताते हो गए भी उन्होंने गलती हो और दूसरी गल तुसी कही कि जो कसूरवारां नूं फड़न लई पंजाब सरकार जो भी कोशिशां कर रही है कि असी उस तो सैटिस्फाई हाँ कि नहीं हाँ देखो गल यह है कि हजे तक तो पंजाब सरकार कित भी यह नहीं शो कर पाई कि वह पूरा कित शिकंजा पै गया कसूरवारां नूं फड़न लई दोषियां नूं फड़न लई और तसल्ली साडी तां ही होएगी जदों बच्चे दे मां बाप कहणगे कि हाँ पुलिस ने कोई मारके वाला काम किया पुलिस ने कोई रिमार्केबल ऐसे स्टैप उठाए है जिदे नाल ओ दोषियां दे नेड़े पहुँच गए और इस दे नाल नाल सेंट्रल गवर्नमेंट नूं भी मैं रिक्वेस्ट करदा बींग ए कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बींग ए कांग्रेस स्पोक्समैन होने के नाते कि उन्हां दी इंटैलीजेंस एजेंसियां जो भी जिथे भी कि उन्हां दी जरूरत पैंदी है सेंट्रल गवर्नमेंट बिना कोई समा गवाए वो सेंट्रल सेंट्रल एजेंसीज की मदद जिहड़ी है उन्हां नूं मुहैया करानी चाहीदी है क्योंकि हुणे पिछे जे जिस वक्त ये पता चलिया कि बड़े सोफिस्टिकेटेड वैपन्स उन्होंने यूज किए इस काम लई और बड़ी हैरानगी की गल है कि इंटैलीजेंस एजेंसियां आईबी NSA NIA पता नहीं दुनिया भर दी जो भी एजेंसियां ने साडियां वह उस वक्त की कर रही सी जो एडे सोफिस्टिकेटेड वैपन जो ने उतों बार्डर पार करके आ गए सो इसलिए अज आप इस दुख की घड़ी च मैं चाहना भी सारिया पार्टियां रल के प्रभु अगे दुआ करन के आपां सारे अलर्ट होइए साडियां सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट होण साडी सरकार अलर्ट होवे क्योंकि हुण तक तां स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है वह अपनी पहलों उन्हूं एक गलती दा अहसास होना चाहिए सी कि असी फोकी वाहवा ही लुट्टण लई लोगां दी जिहड़ी सिक्योरिटी है उन्हूं विड्रा कीता बिना किसी कारण दे और अज उही सिक्योरिटी हाई कमांड तों फटकार लगन तो बाद कहने भी जी वापस करती ये हाई कोर्ट की फटकार की वेट क्यों करनी पई पंजाब सरकार नूं और ये बड़ी माड़ी गल है पंजाब सरकार नूं सब तो पहला सुरक्षा कर्मी भारी गिणती तैनात उन्होंने एक चैन बनाई हुई सी पिंड मूसा के वासियों का आस पास के वासियों का यह ओलंप है सरकार की लोगों लंघन के लिए रास्ता भी नहीं दिता गया एडी की गल सी पिंड के ग्रंथी सिंह भी रास्ता नहीं दिता गया वधाय सबका विधायक सी कुलवीर जीरा उन्हां दी भी बहस हुंदी आपां देखी आ कहिंदे ने कि दिखाओ किहड़े आर्डर ने जिन्हां दे नाल ये मन्नीए कि रास्ता रोकिया जा रहा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे आउण दा वह कहिंदे ने मात ने पुत गवाया तो उन्हां दे घर दे विच मातम है उन्हां दे घर दे विच दुख सांझा करन जा रहे ने मुख्यमंत्री पंजाब तां आम लोगों नूं दिक्कतां परेशानियां दा सामना क्यों करना पिया इन्नी ज़्यादा सुरक्षा सी कुलवीर जीरा ने भी कहा कि इन्हां दे विचों जेकर थोड़ी सुरक्षा सिद्धू मूसेवाला नूं दे दित्ती जांदी तां बचा हो जाणा सी उसदा तां की कारण मनी इस दे पिछे क्यों लोगों नूं परेशानियां दा सामना करना पैंदा जदों मुख्यमंत्री पंजाब ने कित्थे आउणा जाणा हुंदा क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी मौत तो बाद दुख सांझा करन गए सी जदों देखिया आपां सत्ता दे विच नहीं सी आम आदमी पार्टी उदों यही गल्लां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों चक्कियां जांदियां सी अज उही गल्लां फिर वापर रहियां ने गिल साहब पिछले दिनी विरोधी धिरां दे वल्लों जो माहौल बनाउण दा यतन कीता गया उह तुहानूं तुहाडा सारा कुछ सामने है और किवें उन्हां ने पंजाब विरोधी जां पंजाब सरकार विरोधी माहौल सिरजण दी जिहड़ी उह कोशिश कीती और उस मौके जदों इह वी गल्लां कहियां गईयां बाद विच कि पंजाब सरकार का नुमाइंदा संस्कार ते नहीं पहुँचया जां बाद विच नहीं पहुँचया और हुण जदों वजीर साहिबान जिहड़े ने उह वी इक इक करके सारे परिवार नाल पहुँचे ने ते मुख्यमंत्री साहब भी उत्थे पहुँच गए ने ते इस मौके विरोधी धिर कोल कहण नूं हुण होर कुछ है नहीं इस करके ये अजे सवाल जिहड़े ने उहनां नूं ज़्यादा हाईलाइट करन दी कोशिश कर रहे ने जदों कि पिंड वासियां वल्लों कोई अजिही
कोई एडी कोशिश जिहड़ी है वह भगवंत मान जां सरकार विरोधी नहीं की गई। वो जिहड़े भी एक दो जिहड़े उत्थे पार्टीसिपेट कर रहे सन उन्हां नूं भी सोशल मीडिया से जिहड़ा वह आइडेंटीफाई किया जा रहा है भी वह कौन कौन ने किवें किवें वो जिहड़ा माहौल नूं खराब करन दा कौन यतन कर रहा सी। और जेही कोई गल नहीं हैगी, पर मैं ये गल कहना कि वेखो क्योंकि अजिहा माहौल तैयार किया जा रहा है इसलिए जिहड़ी पंजाब पुलिस है कुदरती तौर पर जिहड़ी है वो होर ज़्यादा गंभीरता नाल जिहड़ा इहदे ते फिर वो अपना वो ड्यूटी समझते हुए जिहड़ा वो अपनी उन्होंने वड्डी गिणती दे विच उन्होंने सुभाव के भी हाजिर होना ही सी। और जिहड़ा ये सिक्योरिटी की गल की गई है भी जिहड़ियां सिक्योरिटियां वो घटा दित्तियां गईयां जां सिक्योरिटियां जिहड़ियां उन्हां दियां खत्म करतियां, पहला तो मैं स्पष्ट कर दां भी सिक्योरिटी किसी की भी स्पष्ट नहीं की गई और खत्म नहीं की गई। वो सिक्योरिटी जिहड़ी कुछ घटाई जरूर गई सी, घटाई भी जिहड़ी वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि 20 मई तो लैके जिहड़ा 10 जून तक जिहड़ा वो पहला भी जिहड़ियां सिक्योरिटियां हर बार हर साल ये रिकॉर्ड कढ के वेख लैण वो हमेशा ही जिहड़ियां उहदे विच घाटे वाधे जिहड़े ने कीते जांदे सन कि किन्नू वध चाहीदी किन्नू घट चाहीदी वो इहदे विच फेरबदल जिहड़े हुंदे सन। और दूजी गल हैगी आ जिहड़ी इह घटना जिहड़ी वापरी बड़ी मंदभागी घटना है, पर इहदे इस दिन आपां देख लईए कि जिहड़ा वो सिक्योरिटी दे घाटे करके नहीं बल्कि उस दिन जिहड़ा इह घटना वापरी वो भावें कि प्री प्लैंड सी सारा कुछ वो गैंगस्टर उहदे वास्ते पहले ही बड़ी मुस्तैदी नाल और प्री प्लैंड उहदे वास्ते लगे हुए सन, पर उस वक्त जिहड़ा आपां नूं तुसीं सारे जाणदे हो कि मूसेवाला साहब उदों नाल उहनां दे कोई जिहड़े 2-3 सिक्योरिटी गार्ड जिहड़े उहनां कोल हैगे भी सन वो भी वो नाल लैके नहीं गए और जिहड़ी उहनां दे कोल जिहड़ी अरविंद केजरीवाल ने भी अज यही गल कही है कि घटना की निंदा बिल्कुल। संधु साहब मेरा सवाल यह सी थोनू कि अरविंद केजरीवाल ने भी बिल्कुल कहा कि घटना निंदन योग है कि दोषियों को फड़ लिया जाएगा, पर अरविंद केजरीवाल ने एक गल होर भी कही है कि विरोधी धिर इसते सियासत कर रही ने तो किनू मनीए कि पार्टियां सियासत कर रही है, कि लोग ने जी सिद्धू मूसेवाला की हुई मौत तो बाद जो कि बड़ी मंदभागी सियासत कर रहे हैं। गिल साहब ये मिल के जिहड़ियां धिरां सन मैं तुहानूं पहलां भी स्पष्ट कर चुकिया उत्थे राजा बड़िंग जी ने खुद जाके ये गल आखी भी ये जिहड़ा नौजवान है सिद्धू मूसेवाला इन्हां नूं तां उत्थे संगरूर तो असीं टिकट देनी सी। इस तरह सिमरजीत सिंह मान ने आख्या कि उह मेरा पुत्तर सी उह मैनूं वादा कर चुकिया सी फोन ते उन्होंने मैनू सिमरजीत सिंह मान नू उत्थे संगरूर दी सीट ते जिहड़ी उत्थे जिमनी चोण होनी सी उत्थे मदद दा ऐलान कर दिता सी। इस करके आपां इस तों वेखो उत्थों संस्कार दा टाइम सी इहो जिहे टाइम ते इन्हां ने तां एवें टेंट कढ़िया होया सी जिवें इन्हां ने इक पार्टी वल्लों कोई धरना प्रदर्शन करना होवे, इह दुख विच शामिल होण नहीं सी आए बल्कि इन्हां ने पूरी तरह उत्थे सियासी रोटियां जिहड़ियां सेकण दा इन्हां ने पूरा यतन किया। जिहड़े कहिंदे ना कि इन्हां दी बड़ी इन्हां दी पंजाब सरकार किते किते फेलियर है किते पंजाब पुलिस फेलियर है इन्हां दीआं सरकारां दे विच तां इक मोबाइल फोन भी जे गुम जांदा जी ठीक है बिल्कुल 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 संधु साहब ठीक है जी बिल्कुल। जदों सरजीत सिंह ढड्डरियां वाले ते हमला होया सी इन्हां ने किन्ना कु उहदा इंसाफ दित्ता सी जी, इन्हां नूं दसो वी जदों ग्रंथ साहिब दी बेअदबी होई सी इन्हां ने किन्ना कु इंसाफ दित्ता सी, किन्नियां वारदातां होईयां सी इन्हां नूं नशा दे मसले ते जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संधु साहब बिल्कुल। आपां बाकी पार्टियां दा भी पक्ष सुनना जी बिल्कुल ठीक है जी ठीक है। ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ इंद्रजीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के बुला रहे हैं, उन्होंने निशाना कर दिता है उंगल कर दिती है राजा वड़िंग ते कि सियासी रोटियां सेकिया जा रही ने बजाय इंसाफ दवाने के बजाय सारिया पार्टियों रल मिल के चलन दे की कहना चाहोगे कि मैं रख दिया कांग्रेस पार्टी इस पक्ष।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਗਨਮੈਨ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਪਲ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 8 ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਦੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੀ, ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸੇਖ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਵਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਵਰੂਪ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ? ਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੇ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ,
चंगा हस्पताल बनाने का ऐलान है ताकि बीजेपी का मनना है बीजेपी के वालों कोई ऐलान किया जा सकता है सिद्धू मूसेवाला श्रद्धांजलि के तौर पर परिवार को हौसला देने के लिए तो कि सहयोग करेगी बीजेपी इन्हें केंद्र सरकार के नाल रिलेटेड है जी परिवार ने जी मांग की है कि जांच जी है वह केंद्रीय एजेंसियों को करवाई जानी चाहिए है उन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्र के होम मिनिस्टर देश के होम मिनिस्टर कार्रवाई जी जारी है जी बिल्कुल तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कहा कि स्टेडियम बनवायो हस्पताल बनायो तो वो मंगा पूरियां होणगियां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने मान ने भरोसा दवाया कि मंगा पूरियां होणगियां क्योंकि आप देखिया सरकार के वादे लटकते ज़्यादा ने पूरे घट होंगे ने तो की लगता है उन्होंने मंगा तो बूर चढ़ेगा गिल साहब असी पूरी तरह विश्वास दवाने मैं पहला भी दस हटिया भी पिछले दिन ही जिन्निया जिथे भी कितने कोई घटना वापरी असी हर थां गैंगवार कंट्रोल करन दा पूरा यतन किया और हर थां दोषियों असी फड़िया हर थां जांच है जिहड़ी अपनी जिन्नी तेजी नाल होई है इन्नी अज तक पिछली कदे किसी सरकार ने कम नहीं किया और इस बार भी जेकर यह घटना हुई है तो बड़ी मंदभागी है पर इहदे ते पंजाब वासी इत्थे सुन रहे ने पूरी तरह असी इंसाफ देवांगे और हर तरह की जांच जिहड़ी पूरी तरह मुकम्मल करांगे संधु साहब इंसाफ देण दीआं गल्लां बिल्कुल हो रही ने अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी यही भरोसा दे के गए ने पर 29 मई तो जेकर आपां देखिए अज तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेजां सामने आईयां ने जां गैंगस्टरां दे वल्लों जिम्मेवारियां लईयां गईयां ने इस तों इलावा होर कोई चीज़ भी सामने आई नहीं किसी चीज़ का खुलासा भी नहीं होया तां की मन्निए किवें मन्निए कि पंजाब सरकार जांच कर रही है दोषियों नूं फड़िया जा सकदा है क्योंकि सूत्र यह भी दसदे ने कि दोषी नेपाल वल नूं रवाना हो गए ने देखो जेड़े पंजाब पुलिस के जेड़े अपने काम ने पंजाब दी जिहड़ियां अंदरूनी जो उन्होंने अपना एक अपनी वर्किंग करनी है वो वर्किंग नू बिल्कुल मीडिया के सामने डिस्कलोज नहीं किया जा सकता ये कॉन्फिडेंशियल काम होंगे ने इसलिए पर गल यह होंगी है कि आप रिजल्ट वाले कि छेती तेजी अगे बढ़ते हैं और वो तुहानू भरोसा दवाने जे जिहड़ा पिछले 2 महीने 2.5 महीने की कारगुजारी असी हर वारी नतीजे पर पहुंचे हाँ तो इतने भी असं नतीजे पर पहुँचा जी ठीक है तो विनोद जी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 2-2.5 महीने के समय के आम आदमी पार्टी पहला भी कई नतीजे पर पहुंची है हालांकि 2-2.5 महीने ही हाले पार्टी की सरकार बनी हुए ने तो कि समा होर लग सकता है इस बारे भी हजे कुछ नहीं पता तो की मानते हो कि योजनावान अपनाए सरकार की कुछ करना चाहिए सरकार को कि इन्वेस्टिगेशन तेज होवे क्योंकि पहला कांग्रेस की सरकार रह के गई है कांग्रेस के कोल भी 2 पेच होणगे कि किवें मसले नूं सॉर्ट आउट करना तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज विनोद जी जाके आए ने की लगता है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जाण दा प्रभाव पवेगा बाकी इन्वेस्टिगेशन ते देखो मान साहब की हिम्मत नहीं पई उन्होंने संस्कार शामिल होने की लोगों का एडा भारी विरोध से अज 800-850 बंदा सिक्योरिटी फोर्सिस का नाल लैके उत्थे अफसोस करके आए है तो एडा कमजोर दिल आदमी पंजाब पंजाब के पंजाबियों नूं की इंसाफ दवाएगा सब तो पहली गल तो यह कि वह सिक्योरिटी जी विड्रा की है जिमें अमित अरोड़ा जी ने कहा उन्हूं पंजाब का चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी विड्रा करने लिए जिम्मेवार है और सब तो पहला उस परिवार को माफ़ी मंगते भी साढ़े को गलती हो गई असी समय असी असैस नहीं कर पाए जेकर ये कहें जी हर साल सिक्योरिटी विड्रा होंगी सी जेकर हर साल होंगी सी तो इदा नहीं सी होंगी अखा बंद करके जिदा तुम अखा बंद करके सिक्योरिटी विड्रा की है जिन्हों जरूरत रही सी जरूरत तो जरूरत वो पूरी करते हुए उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती सी जिन्हों की जरूरत घट होंगी सी उन्हों तो विड्रा की जाती सी तुम तो सारे बंदे रहते सारी दुनिया एक चाबे च तोल दिती सारे की सिक्योरिटी विड्रा कर ली और आ चन चढ़ाता तुसी और एक माँ माँ का जवान पुत जिहड़ा चंद दिनों घोड़ी चढ़न वाला सी मौत दे घाट उतार दिता गया और अज फिर भी इन्नियां सफाइयां पेश करी जाने ने राजनीति आप करते ने ते एलीगेशन दूजियां पार्टियां ते लांदे ने मैं इको एक गल अज पंजाब वासियां दी डिमांड करदा ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 10 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
पंजाब का डीजीपी और उस इलाके का एसएसपी इन्हां दे खिलाफ भी मर्डर का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए ता पंजाब दे लोगों नूं पता लगेगा कि सरकार ने कोई इंसाफ किया है। और जेकर ये नहीं हुंदा ता फिर सेंटर सरकार नूं चाहिए ये पंजाब सरकार तोड़ के इत्थे गवर्नरी राज लागू कर दे क्योंकि ये नलायक सरकार है नफरत सी जदों खेती कानून लागू होए सी उस नफरत नूं लैके पंजाब दे कई लोगों के दिलों से तो यह गल पक्की बैठ गई है कि बीजेपी बितकरा करती है। तो जेकर आप हुण दी गल करिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बेशक कई दिन बाद गए ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार के नाल मुलाकात करन दे लई, पर एक होर भी गायक सी बॉलीवुड का के उसका भी देहांत होया सी, वह भी खैर मंदभागी गल है किसी परिवार का जी गया, पर उसनू लैके पंजाब के लोग कहिंदे ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट किया है, पर सिद्धू मूसेवाला के लिए दो शब्द नहीं बोले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो, इसके पिछे की कारण समझिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जा आए ने सारियां पार्टियां तो सवाल होणगे, केंद्रीय गृह मंत्री ने दुख प्रगट किया और तुसीं देखो प्रधानमंत्री तां बाहर गया होया सी। जेकर आप पार्टी लैवल तो उपर उठ के गल करिए मैं होर भी तुहाडे तो गल जाननी चाहवांगा कि वख-वख पार्टियां दे आगू गए ने सिद्धू मूसेवाला दे घर, वख-वख दिन गए ने, वख-वख समें ते गए ने, कि सब का तय हों समा एक दूजे कि तू इस समय जाना मैं उस समय जाना, अच्छ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी गए से उस समय कि सब कुछ तय हों पार्टियां आपस के कोऑर्डीनेट हों अंदरों गति कोई गलबात होंगी है, क्योंकि कोई को इंसीडेंस भी नहीं होया कि दो पार्टियां के नुमाइंदे आपस के मिलकर चले गए हो। नहीं ऐसा नहीं है, स्थानीय एस एस पी के नाल गलबात होंगी है क्योंकि एस एस पी ने बकायदा सिक्योरिटी देखनी होंगी है और एस एस पी ही जिहड़ा वै वह गाइड करता वै कि भाई इन्ने बजे आ वी आई पी आ रहा, इन्ने बजे आ वी आई पी आ रहे जी। उस तरीके दे नाल स्थानीय पुलिस जिहड़ी है ओह ही शेड्यूल बनाती है जी। ठीक है, तो जेकर आप हुण गल करिए अज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की फेरी की, तो अमित जी अज लोगों को दिक्कत परेशानियां विघन आईया ने की कारण मानते उसके पिछे, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आने कारण सुरक्षा के इंतजाम इन्ने कड़े से कि साडा राह रोकया गया, सानू आने जाने के दिक्कत आईया ने। देखो सब तो वड्डी पोल जिहड़ी है वह अज खुली है, जिहड़े कहिंदे सी ना अपने आप नूं कि असीं बड़े आम आदमी हैगे आ, सब तो वड्डी पोल अज खुली है कि एडा वड्डा काफला लैके जाना 700-800 सुरक्षा कर्मचारी लैके जाने अपने नाल, ये आम आदमी ने। पहले तो मैनूं तुसीं दसो तुसीं इन्नी देर हो गई है तुसीं इस चैनल ते तुसीं एंकरिंग कर रहे हो, इन्होंने की कहा सी सरकार बनने तो पहले? बिल्कुल बिल्कुल, असीं वीआईपी कल्चर खत्म करांगे। अरोड़ा साहब तुसीं खुद हुण मन रहे हो कि किन्नी सुरक्षा चाहिए है, कित्थे चाहिए है, वो एसएसपी तय करदा है। भाई असीं तां नहीं कहा सी कि असीं आम आदमी हैगे आ, आम आदमी किन्ने कहा सी? केजरीवाल ने आम आदमी किन्ने कहा सी? भगवंत मान ने? असीं नहीं कहा सी असीं आम आदमी हैगे आ, असीं नहीं कहा सी वीआईपी कल्चर खत्म करांगे, साढ़े प्रधानमंत्री ने तो रेड लाइट खत्म कर गए, वो भी वीआईपी कल्चर खत्म करता सी। अरोड़ा जी फिर ये भी तय कर लो, सानू तुहाडी सारयां दी सुरक्षा की लोड़ है और पंजाब के हर वासी की सुरक्षा सानू उन्नी जरूरी है जिनी किसी भी
व्यक्ति की है, इसलिए असं सारे वास्ते जिहड़ा काम कर रहे हैं। 6 जून का जिहड़ा दिहाड़ा है वो तुहानू पता है भी किवें किवें जिहड़ा गलत लोगों के द्वारा किवें माहौल खराब करन दा यतन किया जाता है, और पंजाब पुलिस उहदे ते पूरी तरह गंभीरता नाल काम कर रही है। और इन्हां दिनों दे विच असीं पूरी तरह जिहड़ा जिहड़ी पंजाब पुलिस है उन अपना वो चाहे सुरक्षा कर्मी घट करके या किवें करके किसी थां तों भी मुहैया करके टाल दिते जांदे ने कि जांच हो रही है, पर सिद्धू मूसेवाला दे मां प्यो ने इस समय बेबस ने, जांच नूं लैके सुभाविक है कि वह खुद गंभीर होणगे, उन्हां नूं आस होगी कि सानूं इंसाफ मिलेगा। इंसाफ उड़ीक रहे ने सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता। अज भगवंत सिंह मान जाके इन्हां दा तुहाडा की मनना विरोधी धिर दे विच आ कांग्रेस पार्टी कि जेकर जांच ढिल्ली चल रही है तां जांच किवें तेजी दे नाल कीती जा सकती है, किवें होर सुराख हथ लगन, क्योंकि अज एक नवीं CCTV फुटेज भी सामने आई है, तां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की फेरी का अज कोई असर या जांच दे विच तेजी या की योजनावां अपनाए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की इस तरीके दोषी फड़े जा सकते हैं, तुहानूं की लगता है? सलाह मशवरा चाहवांगे असीं भाजी। एक गल क्लीयर है कि परिवार नूं पंजाब सरकार ते किन्ना क विश्वास होगा कि उन्होंने अज मंग कीती है केंद्र सरकार तो केंद्र दीयां एजेंसियां जांच करन और वह जल्दी तो जल्दी दोषियों नूं लभण और दोषियों नूं लभ के वह सज़ा देण। ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।